Hello friends, a very good morning to you all. I hope you all will fine. So we have started our chapter 14, electric current and its effect. So let's continue the next topic. Our next topic is electric fuse. What is electric fuse? Let's read. An electric fuse is a device that is used to prevent the damage that can be caused by an excess of electric current. अब हम सभी ने पता है कि हमारे को इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट जब एक्सेस फ्लो होता है तो उसकी वजह से एक डैमेज आता है. ठीक है, किसकी वजह से? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हमारे को प्रिवेंट करता है किससे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से. ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, हमारी हेल्प करता है हमारे को शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ऐसी चीजों से बचाने में. नेक्स्ट, अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है, ठीक है, इसको डीप में स्टडी करते हैं. अभी तो हमने पढ़ा कि ये डिवाइस होता है जो कि हमारे को एक्सेस करंट के फ्लो होने को रोकता है. पढ़ते हैं. According to the heating effect of the electric current, a wire becomes hot as current is passed through it. अब जब हमने heating effect of current पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने देखा था क्या होता है. उसके अंदर जो वायर है उसके अंदर जितना ज्यादा करंट पास होगा उससे क्या होगा, वो वायर क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी. ठीक है, हॉट होगी तो क्या होगा, वो मेल्ट भी हो सकती है. ठीक है, however if an excess of current is passed through wire, it can melt or break. वो क्या हो सकती है? Melt भी हो सकती है या फिर break भी हो सकती है. तो यही होता है हमारा electric fuse. ठीक है, ये safety device होता है जो कि हमारी help करता है, prevent करता है excess of current को flow होने से. Electric fuse आप सभी को figure में यहाँ दिख रहा होगा, ये होता है हमारा electric fuse. Next बात करते हैं. The electric fuse consists of a wire which is made up of a metal or alloy which has a low melting point. अब जो हमारा electric fuse होता है वो क्या होता है, उसके अंदर वायर होती है, consist of wire, और जो वायर होती है वो किस चीज की बनी होती है? मेटल की या फिर एलॉय की, जिसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. वो वायर इस तरीके की होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. एज अ रिजल्ट द वायर ब्रेक्स डाउन इजीली एज हाई करंट पासिस थ्रू इट. उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जब उसमें ज्यादा करंट पास होता है तो वो क्या है, ब्रेक डाउन हो जाती है. एज द वायर ब्रेक्स द सर्किट ऑफ द फ्यूज ओपन्स. अब इसके अंदर हमने अभी पढ़ा था ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट. ठीक है, ओपन सर्किट क्या होता है, जब हमारा जो सर्किट है वो स्विच ऑफ होता है. ठीक है, जब हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीटली सेटअप नहीं होता. क्लोज सर्किट में हमने देखा था कि जब हमारा सर्किट कंप्लीटली ओपन होता है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली जुड़ा हुआ होता है, सेटअप होता है, उसी को बोलते हैं क्लोज सर्किट. तो जो हमारा क्लोज सर्किट होता है वो कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है, मतलब जो हमारी लाइट हो जाती है वो ऑफ हो जाती है, एंड हेंस नो फर्दर करंट पासेस थ्रू इट. ठीक है, जब हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया, वो क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज नहीं सॉरी ओपन हो गया, तो जो करंट है वो पास करेगा ही. नेक्स्ट पॉइंट, दिस कैन प्रिवेंट अ शॉर्ट सर्किट फॉर फायर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो फायर लगने का खतरा था, ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट का खतरा था वो भी क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड सम आर आल्सो अवेलेबल फॉर हाउसेस एज वेल. अब बहुत सारे तरीके के फ्यूजेस होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग जगहों पर यूज किए जाते हैं. कुछ फ्यूज ऐसे भी होते हैं जिसको हम अपने घरों में भी यूज करते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक फ्यूज है जिसको हम अपनी बिल्डिंग में यूज करते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट आपको पतली सी ट्यूब दिख रही होगी, ये क्या है, ये हमारे को अप्लायंसेस में हमारी जो फ्यूज है वो यूज किया जाता है. जितनी भी आपके अप्लायंसेस होते हैं उन सब चीजों में इस फ्यूज का यूज किया जाता है. तो दिस इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड. सो दिस इज द वीडियो फॉर टुडेज. थैंक यू.